गाइज आप भी इंस्टाग्राम पर फोटो HD में अपलोड करना चाहते हो, आपकी भी फोटो शार्प लगे इंस्टाग्राम पर जब अपलोड हो, तो गाइज वीडियो आपके लिए है। सो हे व्हाट्स अप गाइज, वेलकम बैक टू वी अनदर वीडियो। तो गाइज कैसे हो सारे, आई होप आप सारे अच्छे होंगे। तो गाइज आपने मेरे फोटो में एक बात देखोगी, जो गाइज मेरे तुम्हारा भाई अपलोड करता है इंस्टाग्राम पर फोटो, तो गाइज आपने मेरे फोटो में एक बात देखोगी, आपकी फोटो मेरी रहती है शार्प बिल्कुल एकदम HD में, फुल HD में फोटो रहते हैं बिल्कुल शार्प वगैरह रहते हैं। तो गाइज आज की इस वाली वीडियो में तुम्हारा भाई बताने वाला है कैसे मेरी फोटो शार्प रहती है जब तुम्हारा भाई अपलोड करता है इंस्टाग्राम पर, कैसे HD में फोटो एडिटिंग डालनी है बिल्कुल इंस्टाग्राम पर। तो गाइज यहाँ पर वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले, तो वीडियो को तक लाइक नहीं करते लाइक कर देना, जो भाई चैनल पर नए आए वाले सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कराया तो आप फॉलो कर लेना, लिंक इसमें स्क्रीन पर जो हमारा इसमें 3 तो जरूर आगे फॉलो करो, वहाँ तो भाई एडिंग मैंने प्लस होम सेट वगैरह क्रिएट करता रहता है। तो भाई आपको कुछ दिक्कत आ रही हो, प्रॉब्लम आ रही हो, तो गाइस अपने भाई को DM करें, जरूर रिप्लाई करेगा तुम्हारा भाई प्रॉब्लम का। तो गाइस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लास्ट टू गाइज यहाँ पर हमने मोबाइल स्क्रीन ओपन कर लिया, तो ओपन करने के बाद जो गाइज वाला एडिटिंग का प्रोसेस आपको करना है, वो गाइज आपको फाइनल एडिटिंग कर लेनी है बिल्कुल, आपकी फाइनल जो फोटो एडिट हो जाए जब गाइज आपको ये वाला काम करना है। तो गाइज आपको करना है PicsArt में, तो गाइज हम PicsArt ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा PicsArt ओपन हो रहा है, तो गाइज थोड़ा वेटिंग लेगा, तो देखते हैं फोटो ले आते हैं पहले। गाइज यहाँ पर हमने फोटो वाली सेलेक्ट कर लिया, तो आप भी एक फोटो सेलेक्ट कर लेना जो कि आपकी एडिटिंग कंप्लीट हो बिल्कुल, डाल लेना आपकी एडिटिंग हो बिल्कुल कंप्लीट वाली फोटो आपको ले आनी है PicsArt में। तो यहाँ पर हमने देख रहे हो ये वाली फोटो ले आए हैं। तो गाइज आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस FX वाले ऑप्शन पर जाना है, इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, मतलब जो भी आपका इफेक्ट वाला ऑप्शन हो PicsArt में, तो यहाँ पर आप ऑप्शन मिल जाए। तो गाइज आपको जाना है बिल्कुल यहाँ पर नीचे मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पर, रिएक्ट सिंपल FX ब्लर वगैरह। तो गाइज आपको कलर्स के बारे में मिलता है आर्टिस्ट का ऑप्शन, तो आर्टिस्ट वाले ऑप्शन में आने के बाद सब में लास्ट वाला जो आपको मिल जाता है EMBOSS, तो यहाँ पर आपको इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, फेड वगैरह कुछ भी नहीं करना है, बस गाइज आपको क्लिक करना है और गाइज इसका फेड है जो आपको वो जीरो रखना है। तो यहाँ पर आपको जीरो रखने के बाद ये आपकी देखो ऐसी एडिटिंग हो जाएगी। तो यार आपको यहाँ पर राइट क्लिक कर देना है बस, तो राइट क्लिक करने के बाद आपको ये वाली फोटो पर इफेक्ट डल जाएगा ये वाला। तो आप देख सकते हो जहाँ पर आपको ये दिख रहा है ना, यहाँ पर शार्प दिख रही है, तो ये आपकी क्लियरिटी है। तो ये आपको क्लियरिटी कैसे करनी है, तो यहाँ पर आपको ड्रॉ टूल में वाली फोटो को सेव कर लेना है। तो यहाँ पर अपने वाली फोटो को सेव कर लिया है, तो आपको सेव करने के बाद फिर से जाना है गाइज बैक, तो यहाँ पर आपको बैक जाना होगा। तो यहाँ पर आपको बैक जाने के बाद अब गाइज यहाँ पर ड्रॉ टूल आपको ओपन करना है। तो ड्रॉ टूल आपको ओपन करने के बाद यहाँ पर लेयर सेक्शन में जाना है, लेयर सेक्शन में जाने के बाद ये वाली लेयर को आपको डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर गाइज हम डिलीट कर देते हैं वाली लेयर। ओके पहले गाइज एक एम्प्टी लेयर बना देते हैं यहाँ पर, एक एम्प्टी लेयर आने के बाद आपको फोटो लाइब्रेरी मिल जाएगा। यहाँ पर फोटो लाइब्रेरी में जाने के बाद ये वाली आपको इमेज ले आनी है जो आपने सेव करी थी PicsArt में, इफेक्ट डाला था जिस उनकी फोटो में। तो यहाँ पर इफेक्ट लाने के बाद आपको राइट क्लिक कर देना, तो ये आपकी फोटो बिल्कुल ये वाली लेयर आपको डिलीट कर देनी है। तो ये आपकी बिल्कुल लेयर ऊपर बिल्कुल फोटो के हिसाब से सेलेक्ट हो जाएगी अपने आप। तो उस वाली लेयर पर टैप करना है आपको, टैप करने के बाद नीचे मिल जाते हैं यहाँ पर कलर्स के बारे में इफेक्ट मिल जाते हैं हमारे नॉर्मल मल्टीप्लाई लाइटिंग डार्कनेस, तो आपको कर देना है ओवरले। तो यहाँ पर गाइस ओवरले करने के बाद आपकी जो शार्प है फोटो वो देख सकते हो कितनी शार्प है फोटो, आप दिखाते हैं तुम्हारा भाई जूम करके। तो यहाँ पर हमने फोटो को कर लिया है जूम, ओके तो देख सकते हो यहाँ पर गाइस बिफोर आफ्टर दिखाता है, ये देखो बिफोर ये देखो आफ्टर, तो गाइस कितना आपको शार्प हो चुका है बिफोर आफ्टर, देख सकते हो पहले कैसी थी मेरी फोटो, ये देखो अब कैसी है। तो यहाँ पर आपको शार्प पता लग जाएगी कैसे आपको शार्पनेस ऐड करनी है फोटो में बिल्कुल शार्प फोटो। तो यहाँ पर बिफोर ये देखो आफ्टर, ओके तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक कर देना है। तो राइट क्लिक करने के बाद शार्प में देख सकते हो गाइस यहाँ पर भी गाइस तुम्हारा भाई बिफोर आफ्टर दिखाता है, ये देखो बिफोर ये देखो आफ्टर, और इस फोटो में बहुत अच्छी शार्प एक फोटो आ चुकी है बिल्कुल शार्प में बिल्कुल क्लियरिटी, आप देख सकते हो कपड़ों पर कितनी अच्छी चमक आ चुकी है। तो ये आपको शार्प में अच्छा ऐड होती है। तो आपको ड्रॉ टूल में फोटो को सेव कर लेना है। तो आपको सेव करने के बाद अब गाइस तुम्हारा भाई बताता है इंस्टाग्राम पर कैसे अपलोड करनी है फोटो बिल्कुल फुल। ओके तो चलते हैं इंस्टाग्राम पर। तो गाइस यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है, तो ओपन करने के बाद यहाँ पर ओपन कर लेते हैं हम। तो इसे हम ओपन करने के बाद गाइस आपको पोस्ट वाले सेक्शन पे जाना है। तो पोस्ट वाले सेक्शन पे जाने के बाद आपको एक इमेज ले आनी है जो कि आपने फोटो सेव करी थी, तो ये हमारी फोटो
तो ये थी हमारी फोटो जिसको कितनी शार्प है। तो गाइज आप जैसे गाइज ये हमारी फोटो, तो जैसे गाइज आप इस फोटो पर क्लिक कर देते हो या आपकी बस आपको राइट क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर आपकी फोटो का फुल सिलेक्शन नहीं होती है। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारी फोटो क्रॉप हो चुकी है। तो यहाँ पर हमें क्रॉप नहीं करनी है, बैक जाना है। तो बैक जाने के बाद आपको फोटो से क्लिक कर लेने, क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर मिल जाता है ये वाला क्रॉप वाला ऑप्शन। तो ये छोटी ये बड़ी आपको बिल्कुल गाइस ये छोटी कर देना है, आपकी फोटो फुल अपलोड होगी। तो यहाँ पर जैसे हमारी फोटो बिल्कुल भी क्रॉप नहीं हुई कहीं से भी। तो यहाँ पर आपको फोटो को थोड़ा जूम आउट कर देना है। तो जूम आउट करने के बाद आपकी यहाँ पर फोटो फुल हो जाएगी। तो फुल होने के बाद यहाँ पर हमारी फोटो हो चुकी है। तो गाइस एक स्टेप यहाँ पर भी है। तो गाइस आपको नीचे फिल्टर एडिटिंग के बराबर मिल जाता है, एडिटिंग के बराबर मिल जाता है यहाँ पर शार्पनिंग का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको शार्प फोटो भी मिल जाती है। अगर गाइस पिक्सआर्ट में आप करना भूल जाते हो तो कहीं गाइस यहाँ पर भी शार्प का ऑप्शन मिल जाता है। आपको शार्पनिंग बढ़ा देनी है यहाँ पर, इस फोटो की शार्पनिंग बढ़ा सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर भी कितनी अच्छी लुक आ चुकी है, देख सकते हो कितना शार्प हमारी फोटो हो रही है। तो यहाँ पर भी आप शार्पनिंग बढ़ा सकते हो अगर गाइस पिक्सआर्ट में आप भूल जाते हो तो। तो गाइस यहाँ पर भी बहुत अच्छा इफेक्ट आ चुका है, बिल्कुल एक कितनी शार्प फोटो बन चुकी है जिससे जूम करने के बाद। एज ए गाइस तुम्हारा भाई अपलोड करता है, बस गाइस आपको राइट क्लिक करनी है, आपकी पोस्ट अपलोड हो जाएगी। तो गाइस आपको समझ में आ चुका होगा मैं इंस्टाग्राम पर फोटो शार्प कैसे अपलोड करता हूँ, वो भी फुल HD में, और फुल फोटो कैसे अपलोड हो जाती है। तो गाइस आपको पता लिख दी होगी। तो गाइस यहाँ तक थी वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, अपने भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट की आपकी बहुत जरूरत है, वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंडों के साथ। तो गाइस तुम्हारा भाई मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एडिटिंग करते रहो, लव यू ऑल।